शाओमी जो कि काफ़ी चलन में रहा है और इस बार भी कुछ धमाकेदार लेकर आने वाला है। जी हाँ, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ और मैं हूँ मनीष कपूर। तो चलिए बात करते हैं शाओमी के बारे में। शाओमी लेकर आ रहा है अपने फैंस के लिए काफ़ी कुछ एक्साइटिंग और ये आने वाला है 4 जुलाई को। जी हाँ, 4 जुलाई को रेडमी 7A लॉन्च होने वाला है इंडिया में और इस बात की पुख्ता जानकारी हमें मिली है। मनु कुमार जैन जी जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं शाओमी के, उन्होंने ट्वीट करके बताया कि 4 जुलाई को इंडिया में ये फ़ोन लॉन्च होने वाला है। अगर हम बात करें इसके स्पेसिफिकेशंस की तो इसमें आपको मिलने वाला है 5.4 इंच का LCD डिस्प्ले जो कि HD+ रिजोल्यूशन के साथ होगा। और अगर हम बात करें इसमें कैमरे की तो आपको मिलने वाला है 13 MP का रियर कैमरा और 5 MP का फ्रंट कैमरा। साथ ही साथ अगर इसमें बात करी जाए आपके बैटरी परफॉर्मेंस के बारे में तो बैटरी परफॉर्मेंस एकदम लाजवाब है जो कि 4000 mAh बैटरी है। आपका 2 दिन तो बहुत आराम से निकलने वाला है इसमें। और अगर हम इसमें बात करें इसके प्रोसेसर की तो प्रोसेसर इसमें आपको मिलने वाला है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 439 ऑक्टा कोर चिपसेट। और ये फ़ोन ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है इंटरनेशनल मार्केट में, तो वहाँ से कुछ खबरें आई जो हमने आपको बताई। तो ये था अभी तक का अपडेट। आगे के अपडेट्स जानने के लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ। लाइक करिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और इसी के साथ अलविदा लेता हूँ मैं मनीष कपूर। इनखबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।